बायोलॉजिकल बेसिस में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो पार्ट आता है न्यूरल प्लास्टिसिटी का. अब न्यूरल प्लास्टिसिटी है क्या? द ब्रेन कैन बी चेंज्ड और बोथ स्ट्रक्चरली एंड केमिकली बाय एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस की वजह से जो ब्रेन है उसकी संरचना और उसके जो केमिकल प्रोसेस है उसके अंदर उसको चेंज करा जा सकता. और ब्रेन की इसी एबिलिटी को न्यूरल प्लास्टिसिटी कहा जाता है. रैट स्टडीज शो दैट एन एनरिच्ड एनवायरनमेंट लीड्स टू अ लार्जर न्यूरॉन्स विद मोर कनेक्शंस, यानी कि एनरिच्ड यानी कि भरा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से अगर न्यूरॉन्स हैं उनको भी लार्जर न्यूरॉन्स को और मोर कनेक्शंस को प्रमोट करता है. तो जो लार्जर न्यूरॉन्स और मोर कनेक्शन है ये एक्चुअली एसोसिएटेड है ग्रेटर लर्निंग ग्रेटर मेमोरी से. तो जितने भी लार्ज न्यूरॉन्स होंगे और जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे उतनी ही ज़्यादा मेमोरी और लर्निंग अच्छी होगी. हैज़ ऑल्सो बीन शोन इन ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स में भी प्रूव्ड, सिर्फ रैट्स में ही नहीं ह्यूमन्स में भी प्रूव्ड है. रिसेंट रिसर्च हैज़ अनकवर्ड एविडेंस ऑफ न्यूरोजेनेसिस और द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रेन सेल्स इन ह्यूमन ब्रेन्स. न्यूरोजेनेसिस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक टाइम पे ये माना जाता था कि जो न्यूरॉन्स हैं वो नए नहीं बनते हैं और एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गया तो वो हो ही गया. लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उन्होंने पाया है कि न्यूरोजेनेसिस होता है और जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें नए नए जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं. नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहले ये समझना ज़रूरी है सेंटर और पेरिफेरी क्या है. अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है और इसके सेंटर में एक डॉट है तो कहेंगे कि ये जो सर्कल की जो आउटलाइन है ये उसकी पेरिफेरी है और ये जो बिंदु है वो उसका सेंटर है. सो पेरिफेरी होता है किसी भी चीज़ की आउटर लाइनिंग या परिधि. तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है ऑटोनॉमिक डिवीजन एंड सोमैटिक डिवीजन. सो जो ऑटोनॉमिक डिवीजन है उसका क्या काम है, रेगुलेट करना इंटरनल एनवायरमेंट को. और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसका क्या काम है कि इसका है इन्फॉर्मेशन कैरी करना फ्रॉम CNS एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाना. फिर जो ऑटोनॉमिक डिवीजन है इसका आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक. सो सिंपैथेटिक का काम है बॉडी को अराउज करना और पैरासिंपैथेटिक का काम है अराउज्ड बॉडी को काम कर देना. तो आई थिंक ये चीज समझ आई होगी. इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. सो जो ब्रेन है, ब्रेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. देख सकते हैं ब्रेन इतना एक तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. तो ब्रेन का जो एक पार्ट आता है वो आता है मेड्यूला. मेड्यूला का क्या काम है, इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. इसका काम है कि ये ब्रीदिंग को हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. पॉन्स, पॉन्स का क्या काम है, मेंटेन स्लीप वेक साइकिल. ये स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन रखता है कि कब हमें नींद आएगी कब हमें जागना है. सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स बॉडीज मूवमेंट. जो सेरिबेलम है वो बॉडी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है. थैलेमस, थैलेमस का क्या काम है, इट रिलेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू द ब्रेन. यानी कि ये सेंसरी रिले क्या होता है, जिसमें एक चीज़ इस तरीके से यहाँ से यहाँ जाएगी यहाँ से यहाँ जाएगी यहाँ से यहाँ जाएगी, इसको रिले बोलते हैं. सो रिले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द ब्रेन. ये सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ को इन्फॉर्मेशन रिले करता है. हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंसेस मोटिवेटेड बिहेवियर. हाइपोथैलेमस का मोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रेगुलेट्स हंगर थ्रस्ट बॉडी टेम्परेचर एंड सेक्सुअल ड्राइव. तो ये हंगर को भूख को प्यास को बॉडी टेम्परेचर को और सेक्सुअल ड्राइव को रेगुलेट करता है. इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इमोशनल बिहेवियर. आप दो तीन जगह पढ़ेंगे कि इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इट इज़ पैसिवली इन्वॉल्व. तो डायरेक्ट का मतलब होता है इसमें सीधा उस इन्वॉल्वमेंट है और बीच में ये किसी और ऑर्गन को नहीं अफेक्ट करता, ये सीधा इमोशंस को या इमोशनल बिहेवियर को अफेक्ट करता है.
रेटिकुलर फॉर्मेशन, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स फाउंड थ्रू आउट द ब्रेन. ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये थ्रू आउट द ब्रेन पाया जाता है और ये एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है. इट सर्व्स टू अलर्ट एंड अराउज हायर ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू इनकमिंग इन्फॉर्मेशन. यानी कि ये क्या करता है, जो ब्रेन को जो है अलर्ट कर देता है और अराउज कर देता है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से. अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका इमोशनल रिस्पॉन्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वो होता है लिम्बिक सिस्टम. ये भी ब्रेन का पार्ट है. तो रिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स लोकेटेड बिटवीन द सेंट्रल कोर एंड द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. आप देख सकते हैं कहाँ पे है ये लिम्बिक सिस्टम. इम्पॉर्टेंट टू लर्निंग एंड इमोशनल बिहेवियर. सो ये इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग और अपने इमोशनल बिहेवियर में करता है. हिपोकैम्पस एसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज. हिपोकैम्पस का मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसी में ही जो आपके एक और ध्यान रखने वाली चीज़ है, न्यू मेमोरीज बनती हैं और जो न्यूरोन्स हैं वो भी हिपोकैम्पस में ही, जो न्यूरोजेनेसिस है वो भी हिपोकैम्पस में होता है. एमिग्डाला टुगेदर विद द हिपोकैम्पस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग इमोशंस. एमिग्डाला और हिपोकैम्पस, एमिग्डाला का क्या काम है, एमिग्डाला गवर्न करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को या फियर रिस्पॉन्स को. सो ये जो है यहाँ पे इसके साथ काम करके ये इमोशंस को रेगुलेट करता है. अब आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात. कॉर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन का पूरा जो रिंकल्ड एरिया होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं. सो कॉर्टेक्स में लोब्स आ जाते हैं हमारे. सो सबसे पहले आता है ओसिपिटल लोब. इट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस विजुअल इन्फॉर्मेशन. तो ओसिपिटल लोब आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का है, इसका क्या काम है, टू रिसीव एंड प्रोसेस विजुअल इन्फॉर्मेशन. फिर आ जाता है टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब जो बिल्कुल हमारे कानों के ऊपर लोकेटेड है, जो पिंक से कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका काम है कॉम्प्लेक्स विजुअल टास्क सच एज फेस रिकॉग्निशन. टेम्पोरल लोब का काम है. और रिसीव्स एंड प्रोसेस्ड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, इसका क्या काम है, रिसीव करना और प्रोसेस करना ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो भी सुनते हैं हम. इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस सम इमोशंस एंड मोटिवेशंस, इसका काम है बैलेंस करना इमोशंस और मोटिवेशंस को, रेगुलेट या मेंटेन करना. सम लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी काफ़ी कुछ जो लैंग्वेज हैं वो हम सुन के सीखते हैं, इसीलिए ये जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. फिर आता है पेराइटल लोब. पेराइटल लोब आप देख सकते हैं कहाँ पे है पेराइटल लोब. यहाँ पे पेराइटल लोब होता है एक तरीके से यहाँ पर बीच में आप कह सकते हैं ऊपर. इसका काम है रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी. ये बॉडी से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको ये रिसीव करता है और इन्वॉल्व इन स्पेशल एबिलिटीज. स्पेशल एबिलिटीज का मतलब होता है कि चीज़ों की दूरी अपने आप से देख पाना, स्पेस रिलेटेड एबिलिटी. फिर आ जाता है फ्रंटल लोब जो कि बिल्कुल हमारे माथे में लाए करता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ब्रेन का ये वाला पार्ट. इस कोऑर्डिनेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर लोब्स, बाकी जो लोब से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट, अटेंशन, सेटिंग गोल्स, एक्सप्रेशन एंड अप्रोप्रिएट इमोशंस. ये सब इसका काम होता है. उसके बाद आ जाता है हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन, यानी कि कौन सा जो हेमिस्फेयर है वो किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है. सो जो कॉर्पस कोलोसियम है वो फाइबर्स हैं जो कि टू, हम भी जानते हैं जो हमारा ब्रेन है वो दो हेमिस्फीयर में है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हेमिस्फीयर और ये वाला, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर. तो जो इनके बीच की ये जो जगह होती है ना, ये वाली जगह, इसको कॉर्पस कोलोसियम कहते हैं. और अलाउ क्लोज कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, यानी कि इसका जो काम है वो है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में तालमेल बनाना और इन्फॉर्मेशंस को पास ऑन कराते रहना. ईच हेमिस्फीयर अपीयर्स टू स्पेशलाइज इन सर्टेन फंक्शंस. अब जो हेमिस्फीयर आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो कि हर जो हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर ले लो, लेफ्ट हेमिस्फीयर ले लो, ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग इनकी स्पेशलाइजेशन होती है और ये अलग अलग काम करते हैं. सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एक करके दी हुई हैं कि कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको ये गवर्न करते हैं. ये भी आप देख सकते हो कि जो आईज़ हैं,
आईज को जो है ये आपका जो बीच में जाके एक तरीके से एक कयाज्मा बनता है, और जो ये वाली हमारी लेफ्ट आई है उसको राइट हेमिस्फीयर गवर्न करता है और राइट आई को लेफ्ट हेमिस्फीयर गवर्न करता है। फिर स्प्लिट ब्रेन रिसर्च किस तरीके से करी गई है, मच इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शंस ऑफ ईच हेमिस्फीयर हैज कम फ्रॉम स्टडिंग स्प्लिट ब्रेन रिसर्चेस। स्प्लिट ब्रेन रिसर्चेस है कि जिसमें कि आदमी की इंसान की विजुअल फील्ड जो है कि उसको क्या दिखाई दे रहा है वो इन्हें इस एक्सपेरिमेंट्स में देखा जाता है कि वो क्या देख पा रहा है क्या नहीं। कि अगर मान लीजिए इतना सारा चीज़ है और सिर्फ इस एक तरफ हमने एक छेद बनाया हुआ है और ये सब रखा हुआ है, तो वहाँ पूछा जाएगा इस इंसान से कि आपसे क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इससे इस वाली टेक्निक से देखा जाता है कि कौन सी जो ब्रेन में जो डैमेज है उससे क्या कुछ हो रहा है। यानी कि अगर ये अपनी आईज से देख पा रहा है कि आई सी अ बॉल, इसका मतलब इसका ये वाला जो हेमिस्फेयर है लेफ्ट हेमिस्फेयर अच्छे से काम कर रहा है, और फिर ये वाला जो छेद है इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया और ये कह रहा है कि आई सी नथिंग यानी कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये इसके इस वाले ब्रेन के पार्ट में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा है। यहाँ पे उसकी आंखों में खराबी नहीं है, खराबी है उसके ब्रेन में। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, हमने इतना पढ़ा अभी बायोलॉजिकल बेसिस के बारे में, तो हम अपने नर्वस सिस्टम को किस तरीके से स्टडी करते हैं, तो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम अपने नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। पहले आ जाती है माइक्रो इलेक्ट्रोड टेक्निक, जिसमें जो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो एक तरीके से कह लीजिए चार्ज्ड मेटल के पीसेस होते हैं इंडिविजुअल न्यूरॉन्स में इंसर्ट करा जाता है, और ये यूज करा जाता है टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। मैक्रो इलेक्ट्रोड टेक्निक्स क्या होते हैं, थोड़े से बड़े ये मेटल पीसेस होते हैं और यूज टू गेट अ पिक्चर ऑफ ओवल और एक्टिविटी इन द ब्रेन। एन एग्जाम्पल इज एन ईईजी, जिसे हम कहते हैं ईईजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ, विच यूजेस इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन अ पर्सन स्कैल्प टू मेजर ब्रेन एक्टिविटी, यानी कि ये ब्रेन वेव्स को एक तरीके से मेजर करता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल इमेजिंग, कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो उसकी एक टेक्निक से कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी जिसे सीटी स्कैन कहते हैं, इट यूजेस एक्सरेज टू क्रिएट 3D इमेजेस ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, यूजेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू प्रोड्यूस इमेजेस। फिर नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल इमेजिंग, फंक्शनल इमेजिंग में आ जाता है आपका ईईजी जिसे मैंने बात करी थी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रो एंसीफेलोग्राफ, जहाँ पे भी इंसीफेलो वर्ड यूज होता है ना, एंसीफेलो इसका मतलब होता है कुछ ब्रेन से रिलेटेड बात हो रही है। सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द स्कैल्प फ्रॉम मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इज यूज टू प्रोड्यूस अ कॉन्टिन्यूस पिक्चर्स ऑफ एक्टिविटी इन द ब्रेन। ये भी ब्रेन की जो जैसे मैंने पहले बताया ब्रेन की एक्टिविटी को एक तरीके से पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। फिर आती है मैग्नेटो एंसीफेलोग्राफी जिसे MEG टेक्निक बोलते हैं, एंड मैग्नेटिक सोर्स इमेजिंग, इनका क्या काम है, इट कैन लोकलाइज एक्टिविटी मोर प्रसाइसली देन EEG। तो इन दोनों में से कौन से ज़्यादा प्रसाइज है, ये वाली इनमें से ज़्यादा प्रसाइज है। फिर आ जाता है फंक्शनल इमेजिंग, फंक्शनल इमेजिंग में इम्पॉर्टेंट है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जिसे PET स्कैन बोलते हैं, पेट स्कैन बोलते हैं, एंड सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे स्पेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज होता है उसको इंजेक्ट करा जाता है ब्लड में और डिटरमाइन करा जाता है कि जो ब्रेन एक्टिविटी है उसकी लोकेशन क्या है। फिर आता है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि FMRI, इट शोज फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बाय मेजरिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड मॉलिक्यूल्स विद द ब्रेन। तो इसका क्या काम है, इसका काम है फंक्शन और स्ट्रक्चर शो करना ब्रेन का बाय मेजरिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड मॉलिक्यूल्स। तो जो ब्लड का जो मॉलिक्यूल्स है, जो ब्लड का फ्लो है ब्रेन में, उसको ये मेजर करके फंक्शन और स्ट्रक्चर को बताता है।
स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट है उस वो आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है. स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड पार्ट है CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. ये क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स केबल ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट्स ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. इसीलिए जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. इट कैरीज मोटर इम्पल्सिस फ्रॉम द ब्रेन टू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड मसल्स. एक और भी चीज़ है जो रिफ्लेक्स आर्क होती है. रिफ्लेक्स आर्क में कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक ना जाके सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है और वहीं से वापस आ जाती है. सो इसलिए उसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है. इट कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज एंड इंटरनल ऑर्गन्स टू द ब्रेन. इसका फंक्शन है कि ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सट्रीम्स से इंटरनल ऑर्गन्स और ब्रेन्स तक ये लेके जाता है. द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल सम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मूवमेंट्स विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम द ब्रेन. ये इसी की मैं बात कर रही थी. इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. जैसे मान लीजिए आपने कोई एकदम से गर्म चीज़ छू दी है और ये चीज़ जो है आपके ब्रेन में नहीं प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी आपके स्पाइनल कॉर्ड में. और एकदम से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपको एक जर्क वाली फीलिंग दे दी कि आप जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचिए. वो उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. अब आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिंपैथेटिक डिवीजन. सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स दैट कम्युनिकेट बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन. सो इसमें क्या है? इसमें वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी और ब्रेन को में कम्युनिकेशन करते हैं. इसमें क्या होते हैं? एफेरेंट न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? न्यूरॉन्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड. सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड को जो भी न्यूरॉन्स मैसेज लेके आते हैं उन्हें एफेरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है. नेक्स्ट इफेरेंट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन टू मसल्स एंड टू ग्लैंड्स. यानी कि जो कि स्पाइनल कॉर्ड से या जो ब्रेन से जो मसल्स और ग्लैंड्स को मैसेज लेके आता है उनको इफेरेंट न्यूरॉन कहा जाता है. एफेरेंट वर्ड आया है इफेक्ट से और इफेरेंट वर्ड आया है इफेक्ट से. सो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है यहाँ पे. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक डिवीजन में मोस्ट एक्टिव व्हेन यू आर एंग्री अफ्रेड और अराउज्ड. जब आप किसी भी ऐसे अराउज्ड पोजीशन में होते हो, या तो आप एंग्री होते हो या आप डरे हुए होते हो या आप अराउज्ड होते हो, तो सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिव होता है. ये कौन सा गवर्न करता है? ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को गवर्न करता है. इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग. इससे दिल की धड़कन और सांसें तेज हो जाती हैं और डाइजेशन जो है स्टॉप हो जाती है. इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक डिवीजन का बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या होता है जब पैरासिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है या सिंपैथेटिक एक्टिवेटेड होता है. पैरासिंपैथेटिक डिवीजन का क्या काम है कि जैसे ही सिंपैथेटिक डिवीजन ने बॉडी को अराउज कर दिया तो पैरासिंपैथेटिक जब खतरा टल जाएगा या जो भी वो स्ट्यूमुलस है, वो ट्रिगर है जो कि आपको अराउज कर रहा है, वो आपकी विजुअल फील्ड से हट जाएगा, चला जाएगा, तो इसका काम है बॉडी को काम करना. इट प्रोड्यूसेस इफेक्ट अपोजिट टू दोज ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन. तो इसका क्या काम है? ये प्रोड्यूस करता है इफेक्ट जो कि ऑपोजिट है सिंपैथेटिक डिवीजन के. इट रिड्यूसेस हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग. ये जो ब्रीदिंग और हार्ट रेट है उसको ये रिड्यूस कर देता है. और रिस्टोर्स डाइजेशन, जो डाइजेशन है उसको रिस्टोर कर देता है. फिर आ जाता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं कई तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होते हैं. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली जो अपना जो हॉर्मोन्स है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं. सो देख सकते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं. पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड्स, फीमेल्स में ओवरी और मेल्स में टेस्टिस. ये वाले जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं. इनका क्या काम है? इट हेल्प्स कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल रिएक्शंस. इनका कोऑर्डिनेट करना और इंटीग्रेट करना कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. हॉर्मोन सर्व्स टू ऑर्गेनाइज द नर्वस सिस्टम एंड बॉडी. तो ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइज करते हैं नर्वस सिस्टम और बॉडी को.
हॉर्मोन्स ऑल्सो एक्टिवेट बिहेवियर सच एज सेक्सुअल बिहेवियर. जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट करते हैं, स्पेसिफिकली सेक्सुअल बिहेवियर को. थायराइड ग्लैंड का क्या काम है? थायराइड ग्लैंड का काम है सिक्रीट हॉर्मोन्स, प्राइमरी थायरोक्सिन. ये कौन सा हॉर्मोन सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन दैट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म. इसका काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना. नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसका काम है टू कंट्रोल लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, विच इन टर्न कंट्रोल्स लेवल्स ऑफ एक्साइटेबिलिटी. सो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करता है. उसके बाद है पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड क्या करता है? सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, विच रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल. तो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सिक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड. फिर आ जाते हैं पैंक्रियाज. इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स एंड सिक्रीट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागन. तो इनके ये काम है कि ये ब्लड शुगर लेवल को जो है ये रेगुलेट करते हैं और सिक्रीट करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन को. फिर आ जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बिकॉज ये बाकी सारे जो ग्लैंड्स हैं उनको ये रेगुलेट करता है या उनको कमांड करता है. फिर आ जाता है गोनाड्स. ओवरीज एंड टेस्टिस सिक्रीट एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस. गोनाड्स कहा जाता है मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स को. सो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं और मेल्स में टेस्टिस होते हैं, और ये जो फीमेल्स की ओवरी हैं वो सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन, एंड जो फीमेल जो मेल के टेस्टिस होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एंड्रोजेंस. फिर आ जाते हैं एडर्नल ग्लैंड्स. एडर्नल ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स इन रिएक्शन टू स्ट्रेस. तो ये वो वाले हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि बहुत जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तब जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जो हमारे पेट में बटरफ्लाई सी आती हैं वो एडर्नल ग्लैंड की वजह से आती हैं. जो एकदम से ऐसा बटरफ्लाई वाली फीलिंग आती है वो एडर्नल ग्लैंड की वजह से आती है. एडर्नलिन रिलीज करते हैं. फिर आ जाता है कि हमारी जो जीन्स हैं और किस तरह से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो इवॉल्व हुआ और कैसे वो हमारे बिहेवियर में इम्पॉर्टेंट है. जेनेटिक्स क्या है? हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता. सो जो पेरेंट से प्रोजेनी में या चाइल्ड में बच्चे में जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जो ट्रेड ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं. ये डीएनए की फॉर्म में होते हैं. सो डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ये इस फॉर्म में जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेड मैसेज ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं. क्रोमोसोम्स पेयर्स ऑफ थ्रेड लाइक बॉडीज दैट कंटेन जीन्स. अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. ऐसे से अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह से हमें क्रोमोसोम दिखाई देंगे और इसमें इसके अंदर जीन्स हुआ करती हैं. डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अरेंज इन अ डबल हेलिक्स, यानी कि जो डीएनए है उसका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है. और जो एक ये कोड्स लेता है, जैसे मान लीजिए ये वाली जो जीन है यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग पे मदर से आई और ये वाली स्ट्रिंग फादर से आई, और एक स्ट्रिंग पे हाइट का जीन है, आई कलर का जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, इन सारी चीज़ों का जीन है, और वो ढूंढ के दूसरे वाले स्ट्रैंड पे उसी जीन से पेयर करेगा और ऐसे लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा. हर जो जीन होता है अपने जैसे जीन से ही पेयर करता है. फिर आ जाता है आपका बिहेवियर जेनेटिक्स. बिहेवियर जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर फ्रॉम जेनेटिक पर्सपेक्टिव, यानी कि बिहेवियर को जेनेटिक पर्सपेक्टिव से पढ़ना, यानी कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना. एनिमल बिहेवियर जेनेटिक स्टडीज इंक्लूड स्ट्रेन स्टडीज एंड सिलेक्शन स्टडीज, कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो सिलेक्शन करते हैं. अगर हम देखें तो डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और सिलेक्शन, बायोलॉजिकल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो भी काफ़ी बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है. ह्यूमन बिहेवियर जेनेटिक्स फैमिली स्टडीज. फैमिली स्टडीज़ क्या है कि जब भी हम आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे नए कोर्सेज में, इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, क्रिएटिविटी है, थिंकिंग है, तो इनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलते हैं कि जो
पेरेंट होता है, जिस बैकग्राउंड से बच्चा आता है, उसका असर पड़ता है। और ये चीज़ें हम अपने डीएनए में लेके चलते हैं, अपनी पर्सनालिटी और अपनी इंटेलिजेंस खास करके। तो ये अज्यूम करती हैं कि क्लोज फैमिली मेंबर शेयर मोर अ ट्रेट देन नॉन रिलेटिव। तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे हम ज़्यादा ट्रेट शेयर करते हैं एज कंपेयर्ड टू और लोग जो हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं। इट इज़ यूज टू असेस द हेरिटेबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ट्रेट। तो इससे क्या होता है, इससे जो हेरिटेबिलिटी है कि कोई जो बीमारी है क्या ये किसी में हो सकती है, जैसे मान लीजिए स्किजोफ्रेनिया को एक तरीके से ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पेरेंट स्किजोफ्रेनिक है तो उनके बच्चे के भी चांसेस हैं स्किजोफ्रेनिक होने के, या कई सारी ऐसी बीमारी होती हैं जो वंश में दौड़ती हैं। तो इसीलिए फैमिली स्टडीज ज़रूरी हैं कि हम पता लगा सकें कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि इनके वंश में दौड़ रही हो, और क्या उसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर होती हैं ट्विन स्टडीज़। ट्विन स्टडीज़ यानी कि जुड़वा बच्चों की जो स्टडीज़ होती हैं, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन हाउ हेरिटेबल अ ट्रेट और डिसऑर्डर मे बी। यानी कि सीधी सी बात है, अगर कोई एक बीमारी है और वो दोनों जुड़वा बच्चों में है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जेनेटिक्स में ये बीमारी है। और ये जो क्योंकि इन दोनों का जो ट्विन्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है, स्पेशली आइडेंटिकल ट्विन्स का। सो आइडेंटिकल ट्विन्स वुड हैव हाइएस्ट हेरिटेबिलिटी। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होता है उनका जो एक दूसरे की कॉपी होता है जेनेटिक मटेरियल, तो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फ्रेटर्नल या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जो एक ही जाइगोट से बनते हैं। दूसरे होते हैं एक तरीके से कह लीजिए नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स या डाइजाइगोटिक ट्विन्स, उनका डीएनए 100% मैच नहीं होता, वो नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह होते हैं, वो अलग अलग एग से बनते हैं, तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। फिर आ जाता है आपका ह्यूमन बिहेवियर जेनेटिक्स। सो इसमें जैसे हम बात कर ही रहे थे ट्विन स्टडीज होगी, फैमिली स्टडीज होगी, फिर आता है अडॉप्शन स्टडीज। अडॉप्शन स्टडीज यानी कि जो बच्चे गोद लेते हैं, तो ऑब्वियसली जो ट्विन स्टडीज़ हैं उसमें हम पढ़ते हैं हेरिटेबिलिटी का कितना फैक्टर है, जो हमारी एडॉप्शन स्टडीज़ हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि सोशलाइजेशन का कितना या एनवायरनमेंट है उसका कितना इफेक्ट है। फिर होते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डायरेक्ट स्टडी ऑफ द जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड को डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं आप। तो बायोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स इतने एडवांस हो गए हैं, साइंस इतना एडवांस हो गया है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की फील्ड है जो नेचुरल सिलेक्शन, ये किसकी थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ये। सो इस थ्योरी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं, ये उसके ऊपर ये जो साइकोलॉजी है ये बेस्ड है। ये पहले बायोलॉजी की थ्योरी थी, तो ये कहते थे कि इसमें क्या होता है कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो कि फिटेस्ट कौन होता है, जो एकदम अपने बदलती एनवायरनमेंट के साथ साथ बदलता रहता है वो सर्वाइव करता है, और जो नहीं बदल पाता अपने बदलती हुई एनवायरनमेंट के साथ वो एक टाइम पे जाके एक्सटिंक्ट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। यही चीज़ साइकोलॉजिकली भी है कि जो साइकोलॉजिकली जितना अडेप्ट करता रहता है उतना ही वो बेटर और सर्वाइव करता रहता है वर्ल्ड में, और जो नहीं कर पाता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी लुक्स एट द अडेप्टिव और सर्वाइवल वैल्यूज ऑफ द बिहेवियर्स, कि जो वही बिहेवियर्स की चीज़ है कि जैसे जैसे बिहेवियर जो अडेप्ट करता रहेगा वो बिहेवियर वो होता रहेगा, अपने उससे सर्वाइव करता रहेगा, और जो बिहेवियर की सर्वाइवल वैल्यू नहीं है वो बिहेवियर एक्सटेंट हो जाएगा। इसकी सोशल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, कि हमें क्यों ज़रूरी है पढ़ना बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन्स ऑफ बिहेवियर कुड लीड टू जीनोसाइड एंड यूजेनिक्स एम्ड एट एलिमिनेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ पीपल। सो यही चीज़ है कि जो इसका जो ज़रूरत है वो इसलिए है कि क्या कुछ ऐसे जीन्स हैं जो डिफेक्टिव हैं, और अगर कोई ऐसे जीन्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिफेक्टिव हैं, तो उनको एलिमिनेट करना या उनके उन जो जीन में बीमारी वो लोग कैरी करते हैं उस बीमारी को ठीक करना इसलिए ज़रूरी है हमें पता होना। फिर होता है कुड ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट न्यू कैटेगरीज ऑफ पीपल सच एज पीपल ब्रेड टू बी गुड सोल्जर्स एंड मैनुअल लेबर्स। ये आजकल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्पर्म डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसी के ऊपर आ रहा है।
तो इसमें क्या चीज़ें कि हम अगर इतने एडवांस हो जाते हैं बिहेवियरल स्टडीज में, बायोलॉजिकल स्टडीज में, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, हम एक मनचाहा इंसान बना सकते हैं कि जिसमें हर तरीके की क्वालिटी हो। ये आप देखते हैं जानवरों में जैसे क्रॉस ब्रीडिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक का मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, दूध देने की क्षमता ज़्यादा है और मसल मास भी है, और लेकिन ये दोनों चीज़ों में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना देना जिसमें ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हों क्रॉस करवा के, तो ये ह्यूमंस में भी आगे पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है बायोलॉजिकल बेसिस का पता होना। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको आज पढ़ चुके हैं और काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे। बाकी के भी जो टॉपिक्स हैं वो हम इसी तरह से क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।